सब्जेक्टिव शीट नंबर 47 कितने लोगों ने ट्राई की, और जरा इसके डाउट्स ले लेते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है, तो हमने किया हुआ है ये ऐसा क्वेश्चन, ये अर्थ है और ये मून है, आपको दोनों के मासेस गिवन है और आपको इनके बीच में डिस्टेंस भी गिवन है आर, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। आपको एक पॉइंट बताना है यहाँ कहीं जहाँ ई की वैल्यू नेट क्या है, ज़ीरो। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसे था, एक्स निकालना है, जहाँ ई निकालना है वहाँ मास वन, अर्थ का मास इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ई का फॉर्मूला क्या है, जी एम बाय एक्स स्क्वायर, और मून भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ई की वैल्यू जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट और राइट का ई इक्वल करना ही पड़ेगा ताकि नेट ई क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीरो। सॉल्व कर लेना, यहां से एक्स निकाल लेना आंसर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कैसे एक्स की वैल्यू निकलेगी, क्लियर है, क्योंकि एक वेक्टर राइट है और एक लेफ्ट है और नेट ई जीरो करने के लिए राइट और लेफ्ट के वेक्टर को इक्वेट करना पड़ेगा ताकि आपस में कैंसिल हो गए, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन में पहली बार तो इसका आंसर ना पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसके अंदर क्या गिवन है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये अर्थ है, रेडियस आर है, आप एच डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट ले गए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैलकुलेट द वर्क डन। देखो वर्क डन में आप कुछ ना करें, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, ये मास एम है और छोटे मास को लेके जा रहे हैं, एंड फाइनल एनर्जी निकाल लें माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल कर लें माइनस जी एम एम आर प्लस एच माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, तो यहाँ से जी एम एम कॉमन निकाल लें, वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एच कर लें, फिर कैपिटल जी एम एम और यहाँ से एलसीएम ले लें, आर इंटू आर प्लस एच एलसीएम है, आर प्लस एच माइनस आर, आर से आर कैंसिल, तो मेरे पास आ गया जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। अब क्वेश्चन में कैपिटल जी एम को रिप्लेस कर दें किसके साथ, स्मॉल जी आर स्क्वायर, छोटा जी आर स्क्वायर से रिप्लेस करें, इंटू मास इंटू एच आर इंटू आर प्लस एच, आर से आर कैंसिल और एच को बस यहीं तक छोड़ दें, नहीं तो एच को नीचे ले आए तो भी सही है, इस फॉर्म में आंसर, चलो आंसर किसी फॉर्म में हो क्या इसको पता, सब्जेक्टिव है, यहाँ तक छोड़ दें तब भी कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं करना, जो भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वही अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, बात ही खत्म हो गई, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, नेक्स्ट, सही है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में फाइंड, बताओ इसमें क्या करना है, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, ये क्या निकालना, क्या है वर्क डन निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे वर्क डन, चेंज ऑफ एनर्जी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, कैसे, चार पार्टिकल कहाँ पर हैं, लार्ज डिस्टेंस का मतलब इन्फिनिटी पे हैं, और तुम्हें चार पार्टिकल्स को कहाँ लेके आना है, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखना है, यहाँ पे 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम एंड 100 ग्राम और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है कि पहले ये चार पार्टिकल कहाँ पे थे एट इन्फिनिटी, फिर आपने फर्स्ट को रखा, फिर आपने दूसरे को रखा, फिर आपने तीसरे को रखा, फिर आपने चौथे को रखा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो तुम इंटीग्रेशन क्यों करोगे, तुम्हें तो एनर्जी का फोर पार्टिकल सिस्टम वैसे ही पता है, तो आप एनर्जी इसमें छह सेट ऑफ पेयर निकाल देना, इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में इसके और
इसके बीच में ऐड कर लेना आंसर, डन हो गया क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल की एनर्जी निकालनी है। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो थोड़ी ना है कि एक अर्थ के साथ ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले गए, चेंज इन एनर्जी वर्क डन है, ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली डेफिनेशन याद करो पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, कि आप फर्स्ट पार्टिकल को लेके आते हो उसका वर्क डन जीरो होता है, आप सेकंड को लेके आए, आपने टू पार्टिकल सिस्टम किया, आप तीन को चार को लेके आओ, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर को ऐड करोगे तो सिस्टम की एनर्जी निकलेगी। जो हमने इस केस में डेरिवेशन नहीं की, हमने इसमें डेरिवेशन नहीं की, बट हाँ मेथड इसमें यही रहेगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सिक्स्थ के बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें